नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल, दिन बुधवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चरा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए पशुपति पारस ने पूछा, ये कैसी राजनीति है। दोस्ती के नाते पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को दिया मैसेज। केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश के अधिकारी पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में उपस्थित होने के लिए राहुल गांधी को मिला आदेश। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चिराग की राजनीति पर सवाल उठाते हुए पशुपति पारस ने पूछा, ये कैसी राजनीति है। चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के विरासत को लेकर जुबानी जंग अक्सर देखने को मिलती है। एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस ने तीखा बयान दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बड़े भाई रामविलास पासवान कहा करते थे कि सड़क पर वही जानवर मरता है जो निर्णय नहीं ले पाता कि किधर जाए। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि चिराग को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस गठबंधन का हिस्सा है। चिराग नरेंद्र मोदी का नाम लेते रहते हैं, लेकिन लालू के इफ्तार पार्टी में शरीक होते हैं। एक तरफ ये नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में उनके पैर छूते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कैसी राजनीति है। विपक्षी एकता पर राहुल गांधी ने कहा, ये 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की कोशिश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें कि इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि यह एक बेहद ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का देश के लिए जो विजन है उसे हम विकसित करेंगे। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी, हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और लोकतंत्र और जो देश पर जो आक्रमण हो रहा है, हम सभी उसके खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और लड़ेंगे। वहीं इस पर सीएम नीतीश के द्वारा कहा गया कि हम एक साथ काम करेंगे, यह तय हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज की ऐतिहासिक मुलाकात में हमें कई मुद्दों पर चर्चा की। हमने आगामी चुनाव को एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया है। आरसीपी सिंह ने नीतीश और लालू की तस्वीर साझा करते हुए कही ये बात। नीतीश कुमार और लालू यादव की एक तस्वीर को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कुछ सवाल भी किए हैं। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लालू जी सरनम गच्छामि, इस फोटो के माध्यम से नीतीश बाबू कह रहे हैं, भाई साहब आप सही थे और मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। नीतीश बाबू, बिहार की जनता आपके समर्थक शुभ चिंतक को इस फोटो का क्या अर्थ निकाले। बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की। आरसीपी सिंह द्वारा इसी मुलाकात की तस्वीर को साझा किया गया है। दोस्ती के नाते पीएम मोदी ने अशोक गहलोत को दिया मैसेज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए उन्हें अपना प्रिय मित्र बताया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इन दिनों राजनीतिक आपाधापी के संकट से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप इस विकास से जुड़े कार्यक्रम में भाग लिए। उन्होंने कहा कि मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान से ही हैं। आपको जो मेरे लिए भरोसा है, यह मेरी मित्रता की ताकत है और एक मित्र के नाते आप जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी ने ये सभी बातें दिल्ली अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय गहलोत के बारे में जिक्र करते हुए कहा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बना रही रणनीति, नीतीश को मिलेगी इसकी जिम्मेदारी। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। बता दें कि यह मुलाकात बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मात देने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए है। मालूम हो कि इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम को साकार करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए नीतीश की पहल को जरूरी मानते हैं, इसलिए कांग्रेस नीतीश को अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं, जिसमें यूपीए के साथ सभी विपक्षी दलों को लाने के लिए नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने राजस्थान में कांग्रेस के बीच खींचतान की ली चुटकी, तो गहलोत ने ऐसे दिया जवाब। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच इन दिनों खींचतान जारी है। इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं गहलोत जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वहीं अब अशोक गहलोत की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर
प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे इस बात का दुख है कि आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पहले के रेल मंत्रियों के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार और राजनीति से प्रेरित बताया। राहुल गांधी को लेकर जदयू के श्रवण कुमार ने कह दी ये बात। राहुल गांधी को 25 अप्रैल के दिन बिहार में पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने मोदी सर ने मामले को लेकर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी इस मामले में सूरत के कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही इसी मामले के कारण उनके लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। बता दें कि पटना कोर्ट में राहुल गांधी को आज ही उपस्थित होना था, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। अब मामले को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के तरफ से एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनकी बात कौन सुनेगा। केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश के अधिकारी पर दोहरी नीति अपनाने का लगाया आरोप। बिहार सरकार को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा तुष्टीकरण की नीति वाली सरकार करार दिया गया है। दरअसल उन्होंने बेगूसराय जिले में इसक कमाल प्रखंड सीओ पर अतिक्रमण के नाम पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने की बात भी कही है। बता दें कि इस बात की शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की गई थी, जिसके बाद उन्होंने साहेबपुर कमाल के सीओ को अतिक्रमण हटाने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन किए थे। कांग्रेस में सचिन पायलट के अनशन का समर्थन करने के बाद अब टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार मौजूद है। राजस्थान में देखें तो वहां मौजूद सचिन पायलट द्वारा कांग्रेस के मन करने के बावजूद भी अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे कर कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव की भी नाराजगी लगातार सामने आती रही है। हाल ही में उन्होंने सचिन पायलट के अनशन का मीडिया में समर्थन किया था, लेकिन अब फिर से एक निजी से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी मुझे पीएम भी बना दे तो भी मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। सीबीआई के प्राथमिकी के आधार पर तेजस्वी के खिलाफ दर्ज हुआ एक और मामला। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक और मामला ईडी की तरफ से दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि हम मामला जमीन के बदले नौकरी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत ईडी की तरफ से दर्ज किए गए हैं। खबर सामने आ रही है कि अब इस मामले को लेकर तेजस्वी से अलग से पूछताछ की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई के प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। नीतीश की पार्टी देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे कमजोर। बीजेपी नीतीश कुमार की हर कोशिश नाकाम साबित होगी वाले बयान बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव के तरफ से आया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को बेताज बादशाह बताते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की जदयू पार्टी देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टी की तुलना में सबसे कमजोर है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई कमजोर और लंगड़ा व्यक्ति भला कैसे मजबूत और राजनीति के पहलवान नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में उपस्थित होने के लिए राहुल गांधी को मिला आदेश। आज यानी कि बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट में मोदी सरनेम पर किए गए टिप्पणी को लेकर पेश होने वाले थे, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। दरअसल राहुल गांधी के वकील की ओर से कोर्ट को आवेदन देकर राहुल गांधी के उपस्थिति से छूट की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी के वकील की ओर से किए गए मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें आदेश दिया गया कि अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना कोर्ट में उपस्थित होंगे। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता यानी कि बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के वकील के द्वारा भी कोर्ट को आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि राहुल गांधी के बेल को कैंसिल कर दिया जाए और साथ ही उन्हें पटना में सिविल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत के द्वारा अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनके संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। फिलहाल वे इस मामले को लेकर जमानत पर बाहर हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पहले लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में मची हड़कंप। बीजेपी की ओर से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि लिस्ट जारी किए जाने के बाद ही बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। दरअसल जारी की गई पहली लिस्ट में कुछ बीजेपी के विधायकों के नाम शामिल नहीं होने के कारण उनके समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इसी बगावत के बीच कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी के द्वारा आज यानी कि बुधवार को अथाने निर्वाचन क्षेत्र से टिकट कटने के बाद विधान परिषद सदस्य और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया गया है। और साथ ही एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा गया कि वह भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं है, वह एक स्वाभिमानी राजनेता है, वह किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहे। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और 6 बार के विधायक जगदीश सिट्टार ने कहा कि वह आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आला कमान और राज्य के नेता सब कुछ स्पष्ट कर देंगे।
चिराग पासवान की लड़ाई पर सूरजभान सिंह ने तोड़ी चुप्पी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और सांसद चिराग पासवान की लड़ाई आज किसी से छुपी नहीं है। इसी को लेकर अब बाहुबली सूरजभान सिंह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान अपनी चुप्पी तोड़ ली है। दरअसल उन्होंने इन दोनों की लड़ाई को लेकर यह दावा किया है कि अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस एक नहीं होते हैं तो दिवंगत नेता रामविलास पासवान के द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत समझाने की कोशिश भी की है, अगर वे दोनों साथ नहीं आते हैं तो रामविलास पासवान की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा और अगर ऐसा होता है तो इसके जवाबदेही दोनों होंगे, न कि केवल एक। इसके साथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी वे न तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में है और न ही पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा में। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं अब इस चुनाव को लेकर आज यानी कि बुधवार को दिल्ली से पटना पहुंचने के दौरान लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका शुरू से ही एक ही स्टैंड रहा है कि वह गठबंधन चुनाव के बाद करेंगे, इसलिए जब चुनाव नजदीक आएगा तब इस पर निर्णय लिया जाएगा कि लोजपा रामविलास किस गठबंधन का हिस्सा रहेगी। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त उनकी और उनकी पार्टी की प्राथमिकता संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जाना है। वहीं सूरजभान सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वह अभी जहां पर है वहां की चिंता करे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने परिवार और पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र रचा उनकी चिंता होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकजुटता कितनी कारगर होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।